हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हमारे एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जहां पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों जॉब आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे हम अप्लाई कैसे करेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। लेकिन दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर कोई नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, वहां पे मैं रेगुलरली जो भी जॉब अपडेट्स होते हैं वो मैं वहां पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आप उन जॉब्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वहां पे भेजे गए जॉब्स को भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्यूटर.कॉम। जहां दोस्तों, ट्यूटर.कॉम एक ऑनलाइन ई लर्निंग की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस में भी एक काम बहुत सालों से काम कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रेनिंग नाम पे GSE, CBSE, मतलब किन किन ये बोर्ड से एफिलेटेड है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब इन प्लेटफॉर्म पे इन बोर्ड की जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे वो टीचिंग का काम यहाँ पे करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दो तरह की एक वैकेंसी है, एक टीचिंग की और एक नॉन टीचिंग की। टीचिंग की मतलब ऑनलाइन ट्यूटरिंग की है और नॉन टीचिंग की मतलब जो भी बिजनेस डेवलपमेंट होती है उसकी एक वैकेंसी है, वो भी बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अगर एक टीचर है, ट्यूटर है, तो आप किन बोर्ड्स को यहाँ पे आप ऑनलाइन टीचिंग दे सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा ऑस्ट्रेलियन करिकुलम। घबराएगा नहीं दोस्तों, आपको इंडिया में बैठ के काम करना है, इंडिया के स्टूडेंट्स को भी ये हायर करती है, ठीक है। देन कैनेडियन करिकुलम, CBSE, ICSE, ISE, देन GCSE, GCA एंड IGCSE, IB, SABIS एंड US curriculum, ये सबको ये क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो फिलहाल ऑनलाइन केमिस्ट्री ट्यूटर के लिए। तो आप पर्टिकुलर केमिस्ट्री बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई अभी के अभी अप्लाई आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लिंक दिया है गेट एंड एक्सपर्ट ट्यूटर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके सिंपल आपको एक एप्लीकेशन उनके पास भेज के वहाँ पे रख देना है, ताकि हर अगर आगे कोई वैकेंसीज निकलती है तो आपको इन्फॉर्म कर सकते। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, यूर नेम, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस करके आपको यहाँ पे सेंड नाउ पे क्लिक कर देना है। फ्यूचर में कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स को कोई वैकेंसी होती है तो आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो अभी आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसके साथ साथ जो नॉन टीचिंग के भी है उसके भी मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, सॉरी, ये जो आपको यहाँ पे रेट दिख रहे वो स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए नहीं है। हाँ, अगर हम सैलरी की बात करें, अगर आप वहाँ पे एज ए ट्यूटर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे 400 rupees पर आर के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छे 400 पर आर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ये जो कुछ सब्जेक्ट है वो कुछ इंजीनियरिंग के, आईटी के सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, नॉन टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर देना है तो उसकी लिंक में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी कौन सी वैकेंसीज है और उसको आपको जॉब रोल यानी कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाले। लेकिन दोस्तों, ये हम देखने से पहले, हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट, यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रांग रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस डेवलपमेंट की पोजिशन है, ठीक है। यानी कि इस पोस्ट का नाम यहाँ पे आगे देखेंगे। यहाँ पे अगर आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल है फीमेल है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपको इस रोल के लिए हायर किया जाता है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्ड बिजनेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड सेलिंग प्रोस्पेक्ट, यानी कि उनके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, यानी कि उनका जो प्रोसेस होता है वो आपको क्या करना है, सेल कर देना है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बाय आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्ट, रिसर्चिंग एंड एनालाइजिंग सेल्स ऑप्शन, यानी कि सेल्स में कितनी ऑप्शन है, आप उनका बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे वो आपको यहाँ पे सर्चिंग कर देना है। उसके साथ साथ गुड इंटरप्रिटेशन स्किल विद एबिलिटी टू रिजॉल्व क्लाइंट्स कंसर्न इफेक्टिवली। अब क्लाइंट्स कौन होंगे यहाँ पे, पेरेंट्स या फिर टीचर्स, उनके जो भी कंसर्न है आपको वहाँ पे वाया फोन वाया मेल आपको यहाँ पे क्लियर करने होंगे। स्ट्रांग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड क्लाइंट इंटरेक्शन स्किल, आपको
क्लाइंट्स के यानी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं उनके साथ एक अच्छा सा रिलेशन बना के रखना है, अच्छा सा इंटरेक्शन स्किल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उनके साथ जैसे मैंने बताया कि आपका एक रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करना है, उनको अच्छी तरीके से गाइडेंस कर देना है, देन उनकी तरफ से जो भी फीडबैक आता है उनका आपको रिपोर्ट करना है, कलेक्शन करना है, एनालाइज करना है, समराइज करना है, ठीक है। मेंटेन क्वालिटी सर्विसेज बाय एस्टैब्लिशिंग एंड एनफोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको सॉल्व करके इस प्लेटफॉर्म का जो भी स्टैंडर्ड है वो आपको यहाँ पे मेंटेन कर देना है। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो उनका स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना जरूरी होता है, एक बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, ठीक है। देन कॉन्ट्रीब्यूट टू द टीम एफर्ट्स बाय अकम्प्लिशिंग रिलेटेड रिजल्ट्स एंड नीड, यानी कि जो भी टीम होती है उनको आपको क्या करना है, असिस्ट कर देना है, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो उनकी तरफ से आपको क्या मिलेगा, देन कंपेटेटिव सैलरी, आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर सेल्फ, आपने आपको एक मतलब बिल्ड करने का प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। लर्निंग, आप यहाँ पे नई नई चीजें आप सीख सकते हो। गुड वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि जो मतलब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में भी ये ऑफलाइन जॉब है तो आप इसको क्या करते हैं, अपना लाइफ बैलेंस है वो सही से ठीक रख सकते हो। और फन फील्ड वर्क एनवायरमेंट, यानी कि यहाँ पे ऐसे कोई मतलब यहाँ पे तो दिया है काम का प्रेशर वर्क लोड कोई यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, जो भी काम आपको है फन फील्ड एनवायरमेंट पे आपको काम यहाँ पे कर देना है, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सैलरी दी नहीं है, अगर आप सिलेक्ट होते तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे कर देना है, यहाँ पे सिंपल देखिए आपको एक ईमेल एड्रेस दिया है hr@tutorcom.com, तो सिंपल आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्यारा सा आपका एक सीवी बना देना है और यहाँ पे सेंड कर देना है इस पोजिशन के लिए, ठीक है। अब इस पोजीशन का नाम यहाँ पे दिया नहीं है, यस इस पोजीशन का नाम है एकेडमिक एसोसिएट्स, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट में लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक एसोसिएट्स एंड उनको थोड़ा सा ईमेल में लिख देना है और अपना सीवी अपलोड करके उन्हें भेज देना है। अगर आप सिलेक्ट होते तो आपके पास वो रिवर्ड बैक आ जाएगा, ठीक है। सो यही दो अपडेट्स थी इस वीडियो में, अगर आप इन पोस्ट में अगर आप इंटरेस्ट रखते तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं।